हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी स्टूडेंट किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स भी चल जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि कैसे आप आईआईटी जेम एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया और किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आज आपके सामने सभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, प्लस आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स आपको टारगेट करना चाहिए, प्लस कितने क्वेश्चन कितने सेक्शन में आपको अटेंड करने चाहिए ताकि आप अपना स्कोर अच्छा कर सके और आपको मिनिमम कितना टारगेट स्कोर लेके चलना चाहिए, ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। सो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईआईटी जेम एग्जाम होता है क्या, ये एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर आप आईआईटी से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, मतलब एमएससी करना चाहते हैं, या फिर एमएससी प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने यहां पे आईटेप पे या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। आईआईटी जेम एग्जाम मैथमेटिक्स के साथ अगर आप दे रहे हैं तो कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा डेटा हम लेते हैं यहां पे, स्टूडेंट यहां पे पिछले तीन साल में ऑन एन एवरेज 12,000 से 14,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम में एपीयर होते हैं, राइट। अब बात होती है कि एपीयर तो होते हैं पर कितने लोग इस एग्जाम की सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं, तो इसमें मैं बताना चाहता हूं सिर्फ 15% बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली इस एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं, मतलब 15 से 20%। इससे ज्यादा बच्चे सिर्फ खाली एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देके आ जाते हैं, कोई ज्यादा सीरियसली प्रिपरेशन इस एग्जाम की नहीं करता है। मान लीजिए 20% डेटा हम लेते हैं तो 12 से 14,000 का 20% अगर हम बात करें तो 24 से लगभग 28 मतलब 3,000 के आसपास होता है, 2400 से 3,000 के आसपास बच्चे जो होते हैं वो सीरियसली एग्जाम देते हैं। और जो आईआईटीज के अंदर सीट्स होती है लगभग 800 से 1000 होती है, सो हर एक सीट के लिए तीन बंदे यहां पर कॉम्पीट कर रहे हैं, मतलब तीन जनों से आपका कॉम्पिटिशन होता है। तो ये एग्जाम इतना टफ नहीं है जितना इसको बनाया जाता है लोग कहते हैं, बट एग्जाम बहुत ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। बस आपको 3,000 में से मेहनत करते करते 1,000 स्टूडेंट के अंदर पहुंचना होता है। सो एक होता है स्मार्ट वर्क और एक होता है हार्ड वर्क। आपको कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क पे ध्यान देने की जरूरत है। हम कम स्टडी के अंदर कितने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी की जरूरत है, तो वो मैं आपके सामने समझाऊंगा। सो बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो आईआईटी जेम एग्जाम होता है उसमें कितने सेक्शन होते हैं और कितने सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें नेगेटिव मार्किंग होती है किसमें नहीं होती, ये हल्का सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। इसमें यहाँ पे तीन सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन जो होता है वो एमसीक्यूज लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बी पार्ट जो होता है वो एमएसक्यू होता है मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता है, और जो सी पार्ट होता है वो एनएटी टाइप का होता है, राइट, मतलब न्यूमेरिकल टाइप आंसर्स उसके अंदर देने होते हैं। इसमें जो सेक्शन ए होता है वो 30 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के 10 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क के 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये सबसे बड़ा वेटेज मतलब 50 मार्क्स का वेटेज रखता है। एंड देन जो पार्ट बी है उसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं जहां पर 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आता है और ये 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। स्टूडेंट यहाँ पे जो बी पार्ट एंड सी पार्ट है इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन राइट है। अगर आप मान लीजिए किसी क्वेश्चन के ए और बी ऑप्शन राइट है तो आपको ए और बी दोनों ही ऑप्शन को राइट करना, अगर आपने सिर्फ ए ऑप्शन राइट किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, पर हाँ नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे नहीं होती है। सी पार्ट जो होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं जहां पर 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स का होता है एंड 10 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का होता है, ऐसे मिला के टोटली 30 मार्क का वेटेज रखता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप आंसर रखना होता है और यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कुल मिला के बताना चाहता हूं कि 50 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग होती है और 50 मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो जिन पे नेगेटिव मार्किंग नहीं वो तो आप पूरा ढंग से करिए, कोई दिक्कत नहीं, जहां पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है वहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूं कि अब बच्चों का एग्जाम रहता है कि सर जब एग्जाम हो रहा है तब हमें सबसे पहले कौन से पार्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें बी पार्ट करना चाहिए क्योंकि बी पार्ट में एक से ज्यादा ऑप्शंस राइट होते हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिससे हम बहुत सारी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं, राइट, और उससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी होते हैं जो ए पार्ट में आपको मिल जाएंगे या फिर सी पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो पहले आपको बी पार्ट करना चाहिए, उसके बाद फिर आपको ए पार्ट करना चाहिए, उसके बाद आपको सी पार्ट करना चाहिए, राइट, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बात करेंगे नेक्स्ट कि यहाँ पे जो कट ऑफ्स है वो कितना रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें 2021 से लेकर 2019 तक ये मैंने कट ऑफ्स दे रखी है, सभी लिस्ट आपके सामने, आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं। पर ऑन एन एवरेज जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 27-28 मार्क्स का कट ऑफ रहता है, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे 25 का कट ऑफ रहता है, और एससी एसटी का ऑन एन एवरेज बात करें तो ये 15-16 के मार्क्स के आसपास कट ऑफ जाता है, राइट। अब बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें बात सबसे पहले रियल आंसर्स की होती है, यहाँ पे 21 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको मिनिमम 10 मार्क्स का यहाँ पे टारगेट लेके चलना चाहिए, राइट, मतलब 10 मार्क्स तो अपने को चाहिए ही चाहिए। इसी टाइप से ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी में आप ज्यादा नहीं 10 मार्क्स का आता है, यहाँ से 4 से 5 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए, राइट। हमारे पास कैलकुलस ऑफ सिंगल वेरिएबल है, ये 18 मार्क्स का आता है, तो मैं आपको कहूंगा यहाँ पे आप आराम से
8 to 10 मार्क्स का टारगेट लेके चले, मतलब मिनिमम चाहिए। देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मिनिमम मार्क्स का टारगेट बोल रहा हूँ कि इतना कम से कम अपने को चाहिए ही चाहिए, राइट। इसमें यहाँ पे कैलकुलस ऑफ टू वेरिएबल है, ये इजी टॉपिक है, इस पर आराम से आप 7 मार्क्स का टारगेट लेके चल सकते हैं। इसमें जो वैक्टर कैलकुलस है ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से यहाँ पे लगभग 7 मार्क्स का टारगेट लेके चल सकते हैं। इसमें बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत ईजी है, आप आराम से यहाँ पे मतलब 6 से 7 मार्क्स ला के सकते हैं, तो 6 मार्क्स ले लीजिए, राइट। तो ये मार्क्स का आप टारगेट लेके चले, अगर आप ऐड भी करेंगे यहाँ पे तो ये 20, 28, 28 और 4, 32 एंड 42। इसमें 42 अगर आप मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं तो आपको इजीली कोई भी IIT और NIT आपको यहाँ पे मिल सकता है, राइट। मिनिमम 42 चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा आए तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अब बात करेंगे यहाँ पे कि कौन से पार्ट में से कितने आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, राइट। तो ये भी मैं बताना चाहता हूँ, इसमें अगर पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में हमारे पास यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क के होते हैं और 20 क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के होते हैं। तो 10 क्वेश्चन में से आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही करना है, राइट। एंड जो हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, उसमें से 8 क्वेश्चन आप टारगेट लेके चलिए, राइट। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 13 क्वेश्चन आपको करने चाहिए पार्ट ए से। इसमें पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, मैं कहूँगा आपको सिर्फ 4 मार्क्स मिनिमम आपको सही करने चाहिए, राइट। और चूंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती, थोड़ा ध्यान रखना है, राइट, है ना, क्योंकि बी और सी पार्ट में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, या तो सब करो, बी में भी सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सी में भी सभी अटेम्प्ट करना है, राइट। पर आपको टारगेट लेके चलना कि इतने मिनिमम तो क्वेश्चन मेरे सही होने ही चाहिए, राइट। इसी टाइप से सी पार्ट की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेश्चन आपको 1 मार्क के करने चाहिए और 4 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स, यहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं, 10 1 मार्क के आते हैं, 10 2 मार्क्स के आते हैं, राइट। तो ये टारगेट मतलब आपको 9 क्वेश्चंस यहाँ पे सही होने चाहिए। अगर हम देखें यहाँ पे तो सुनिए, हमारे पास यहाँ पे लगभग 26 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, राइट। अगर 20 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो, है ना, तो आप जानते हो टोटल हमारे पास इस पार्ट के 30 क्वेश्चन आते हैं, इस पार्ट के हमारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं और इस पार्ट के हमारे पास 20 क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो टोटल हमारे पास 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 क्वेश्चन में से अगर आपने 26 क्वेश्चन आपने सही कर लिए तो आपका IIT जेम बहुत अच्छा क्रैक हो सकता है, राइट। मिनिमम 42 से 45 मार्क्स का टारगेट रखिए, और ज़्यादा अगर अच्छे आते हैं, लाइक अगर 60 के आसपास 65 के आसपास आते हैं तो आप वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, पर मिनिमम आपको 42 से 45 मार्क्स का टारगेट लेके चलना चाहिए अगर आप जेम को बहुत अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, मतलब मैंने आपको ये जस्ट मेरी कैलकुलेशन बताई है, और ये कैलकुलेशन से अगर आप चलेंगे तो देन मुझे लगता है कि आप आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं।